ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमयो तमसो मा ज्योतिर्गमयो मृत्योर्मामृतंगमयो। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, आज हम रचनानुवाद कौमुदी की लाइव कक्षा में, जो हमने गत कक्षा में आपको पढ़ाया था कि निबंध कैसे लिखें, ये पूरा आपको विस्तार से हमने समझा दिया था डॉक्टर कपिल देव महाराज जी के शब्दों में, किस किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, और विषय वस्तु को कैसे संकलित करना चाहिए, उसका प्रस्तुतीकरण कैसे करना चाहिए, ठीक है, किन किन चीजों से बचना चाहिए लेख लिखते समय, ये सारी बात इसके छोटे से एक पृष्ठ में उन्होंने बता दी। और निबंधों के प्रकार भी बता दिए थे कि इतने प्रकार के होते हैं, तीन विभागों में बांट दिए। अब इन्होंने जो 25 निबंध दिए हैं, आज उसमें हम पहला निबंध पढ़ेंगे, ठीक है, आज हम पहला निबंध पढ़ेंगे और ध्यान देंगे, आपको ध्यान दें, ये करना है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, परंतु आपको मेरे पढ़ाते समय आपने जो भी नियम पढ़े हैं विभक्तियों के, या जिस जिस अर्थ में जो जो विभक्ति बताई है, उनको यहां घटा करके देखना है साथ में, और उसका अर्थ तो मैं बताऊंगा ही आपको, ठीक है। आपको विशेष तरीके से ये दो चीज करनी है, एक तो इसका अर्थ जानना है और नियमों को घटाना है कि आपने जो नियम पढ़े हैं वो सही पढ़े या कहीं गलत तो नहीं पढ़े, ठीक है, तो प्रयोग होते भी हैं संस्कृत साहित्य में अथवा नहीं होते हैं, ये और आपको पक्का करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए, निबंध है आपका, पहला निबंध है मित्रों, विद्या विहीना पशु, विद्या से संबंधित ये निबंध है। विद्या विहीना पशु माने विद्या से विहीन जो मनुष्य होता है वो पशु है साक्षात, ये इसका पूरा अर्थ है, ठीक है। शुरुआत इसकी ऐसे करेंगे, यहां पर ये ब्रैकेट में नंबर एक प्रस्तावना, नंबर दो विद्या या लाभा, नंबर तीन विद्या या महत्वम, नंबर चार विद्या प्राप्ते रुपाया, नंबर पांच उपसंहार। ये इसके अंदर पांच चीजों को जो बताया गया क्रम से रखा गया है, पहले प्रस्तावना है, फिर विद्या के लाभ हैं, महत्व हैं, विद्या प्राप्ति के उपाय हैं और अंत में उपसंहार है। यही तरीका बताया था कि आरंभ में एक पैराग्राफ की प्रस्तावना होनी चाहिए, फिर जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उसके विषय की चर्चा होनी चाहिए विस्तार से, उसके लाभ हानि उसके उपाय आदि पर विचिंतन होना चाहिए, वो सारा लिख दिया हम, फिर लास्ट में उपसंहार, एक पैराग्राफ में एक संदर्भ में आपको जो नीचे पैराग्राफ होगा उसमें पूरे का सार लिखना होगा, ठीक है। चलिएगा, आप देखते हैं, आइएगा।
ज्ञानार्थक विद धातो हो विद्या शब्द सिद्ध्यति। कहते हैं ज्ञानार्थक, जो ज्ञान अर्थ वाली विद धातु, विद ज्ञाने, और भी वेद धातु और भी अन्य अर्थ में है, ठीक है, विद सत्तायाम अर्थ में भी है। तो यहां पर ज्ञान अर्थ वाली विद धातु से विद्या शब्द सिद्ध्यति माने सिद्ध होता है, बनता है। विद्या शब्द में कौन सी धातु है? विद ज्ञाने। यस्य कस्यचिदपि वस्तुनः सम्यक्तया ज्ञानं विद्येति कथ्यते। कहते हैं कि यस्य कस्यचिदपि, जिस किसी भी वस्तुनः, वस्तु का, पदार्थ का, सम्यक्तया, अच्छी प्रकार से ज्ञानम माने ज्ञान, जानकारी, अथवा उसका ज्ञान अर्थ का तत्व ज्ञान, उसका वास्तविक क्या है, इसका जो गुण आदि क्या है, वो ही विद्या इति माने विद्या कही जाती है, कथ्यते माने कही जाती है। ये कथ्यते कौन से वच में बना है? कर्म वच में बना है, विद्या इति कथ्यते, ठीक है। कथ्यते ये क्या है? कर्मवाच्य। वेद दर्शन साहित्य विज्ञानादीनाम विषयाणाम पठनम सम्यग ज्ञानम च विद्येति अभिधीयते। क्या कहते हैं? कहते हैं वेद दर्शन, वेद हैं, दर्शन हैं, साहित्य है, विज्ञान आदि ये हैं। इन विषयों का पठनम पढ़ना च और सम्यक ज्ञानम और उसका अच्छी प्रकार से बोध करना, समझना, विद्या इति अभिधीयते, विद्या कहा जाता है। एक तो जिस किसी भी वस्तु के अच्छी प्रकार से ज्ञान को ही विद्या कहते हैं, और कहते हैं वेद, ठीक है, और आपके दर्शन, उपनिषद, साहित्य आदि जो विज्ञान आदि विषय है, उनका पढ़ना पढ़ना और अच्छी प्रकार से समझना, ये भी क्या कहलाता है? विद्या। ये भी अंत में कर्मवाच्य, ठीक है। अभिधीयते माने कहा जाता है, अभी पूर्वक धा धातु का अर्थ क्या होता है? बताना, कहना। चलिएगा आगे। यद्यपि संसारे बहूनि वस्तूनि सन्ति परन्तु विद्यैव सर्वश्रेष्ठं धनमस्ति। कहते हैं यद्यपि संसार में बहूनि वस्तूनि सन्ति, बहुत सारी चीजें हैं, गाय है, भैंस है, आदमी है, धन है, संपत्ति है, खेत है, पेड़ है, फल है, और भी बहुत सारे प्रकार है, हीरे, चांदी है, ठीक है, सोना, ये सभी पदार्थ हैं। परंतु विद्या एव, विद्या ही सर्वश्रेष्ठम धनम अस्ति, सबसे श्रेष्ठ धन तो विद्या धन है जी, सोने चांदी श्रेष्ठ नहीं। अतः एवोच्यते, अत माने इसलिए, एव माने ही, उच्यते माने कहा जाता है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, क्या कहा जाता है? विद्या धनम, विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में प्रधान है, अर्थात विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है। विद्या की, सोना को प्राप्त करना और विद्या को प्राप्त करना, दोनों को प्राप्त करने में विद्या प्राप्त करना श्रेष्ठ है। सोने को तो कोई लूट ले जाएगा, विद्या को कौन लूट लेगा? कोई लूट नहीं सकता, किसी में हिम्मत नहीं है। चलिएगा। विद्या मनुष्य स्वकीयम कर्तव्यम जानाति।
विद्या से, विद्या के द्वारा मनुष्य स्वकीय माने अपना कर्तव्य माने मुझे क्या करना चाहिए ड्यूटी को का जान आती माने जानता है। विद्यैव मनुष्यो जानाति यत को धर्मः, को धर्मः, किम कर्तव्यम, किम अकर्तव्यम, किम पुण्यम, किम पापम, किम कृत्वा लाभो भविष्यति, केन कार्येण वा हानिः भविष्यति। कहते हैं विद्यैव, विद्या के द्वारा ही मनुष्य, मनुष्यो मनुष्य, मनुष्य जानाति जानता है, यत माने की, या यत का अर्थ क्या है की, या व्यय, को धर्म, धर्म क्या है, को कहा अधर्म, अधर्म क्या है, किम कर्तव्यम क्या करना चाहिए, किम अकर्तव्यम क्या नहीं करना चाहिए, किम पुण्यम पुण्य क्या है, किम पापम पाप क्या है, किम कृत्वा लाभो भविष्यति क्या करूंगा, क्या करके लाभ होगा मुझे, केन कार्येण हानि वा हानि भविष्यति और किस कार्य के द्वारा मेरी हानि हो जाएगी। ये सारी बातों को मनुष्य किसके माध्यम से जानता है, विद्या के माध्यम से। यदि विद्या नहीं है तो फिर आपको कोई भी ठग सकता है, कोई भी ठग सकता है, धर्म के नाम पर खूब आराम से अधर्म में आपको फंसा सकता है, फंसाया जा रहा लोगों को। पर विद्या की प्राप्ति कर ली फिर आप जान जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। विद्या की प्राप्ति हो केवल अक्षर पढ़ना नहीं है, तर्क पूर्वक हर चीज को विचार करके अपने जीवन में अपनाना, तर्क करके ही किसी सामने वाले व्यक्ति की बात को मानना ही विद्या है। बाबा वाक्यम प्रामाण्यम नहीं करना चाहिए कभी जीवन में। जिस व्यक्ति के जीवन में बाबा वाक्यम प्रामाण्यम होता है उस व्यक्ति का जीवन अधोगति को प्राप्त होता जाता है, और जिस व्यक्ति के जीवन में तर्क होता है वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता जाता है, वो किसी के वश में नहीं आता, कोई उसे ठग नहीं सकता है। और बाबा वाक्यम प्रामाण्यम को मानने वाले व्यक्ति को हर कोई ठग सकता है आराम से, मत बनिएगा। बाबा वाक्यम प्रामाण्यम बाल को, इस सिद्धांत को जीवन में कभी मत अपनाइएगा, कभी मत अपनाइएगा। मैं अपने सभी पाठकों से निवेदन करता हूं कि बाबा वाक्यम प्रामाण्यम का अर्थ होता है कि किसे आप जिसको अच्छा मानते हैं मान लिया, पर आप उसको अच्छा मानिएगा, कोई परेशानी नहीं है, परंतु हर बात उसने बोल दी वैसे के वैसे ही कर देनी है, ऐसा नहीं। वो बताएं, ध्यान से सुनिएगा, चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा, तर्क कीजिएगा, वितर्क कीजिएगा, फिर कोई संशय होता है, डाउट होता है, उनको पूछिएगा, फिर दोबारा उत्तर मिलने के बाद फिर डाउट होता है, पूछिएगा। इस प्रकार से जो जीवन में आगे चलता है, चलता है, जीवन को चलाता है, जीवन को जीता है, वो व्यक्ति कभी किसी के चंगुल में नहीं फंसता, कोई ठग नहीं सकता है मित्रों। तो मैं भी अपने पाठकों से निवेदन यही करता हूं कि आपको मैं ऐसा बना दूं, ऐसा बना दूं कि आपको दुनिया में कोई ठग ना पाए और आप दुनिया में किसी से ठगे ना जाएं, ठीक है। आपको तार्किक बनाना है, ठीक है। मैं भी नहीं ठग पाऊं आपको, मैं वैसे ठगूंगा नहीं, मैं तो साफ बोलता हूं आपको कि मुझे ठगना ही नहीं किसी को, ठीक है, ठगना ही नहीं है हमें, हम ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं, हम आपको कोई गलत बात बताते ही नहीं, ठीक है, चलिएगा। तो ये सारी बातें विद्या, इसलिए मैं आपको विद्या पढ़ा रहा हूं। कहते हैं आगे चलते हैं, विद्या प्राप्त्या सन्मार्गम अनुवर्तितुं प्रयतते। स माने वह व्यक्ति विद्या प्राप्ति के द्वारा, विद्या प्राप्ति के माध्यम से ही सन्मार्गम माने सन्मार्ग को, श्रेष्ठ मार्ग को, अनुवर्तितुं माने आचरण में लाने के लिए, प्रयतते माने प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। एवं विद्यैव मनुष्यो मनुष्योस्ति, एवं माने इस प्रकार विद्या के द्वारा, ए माने ही मनुष्य, मनुष्य मनुष्य होता है।
विद्या से ही मनुष्य मनुष्य होता है, अन्यथा तो वो क्या है? यो मनुष्यो विद्याहीनोस्ति स कर्तव्या कर्तव्यस्य अज्ञानात् पशुवद् आचरति अतः सा पशुरित्यभिधीयते। कहते हैं कि जो यह मन जो मनुष्य विद्याहीन है, विद्या से रहित है, अस्ति मन है, सा वह कर्तव्य कर्तव्यस्य मन कर्तव्य क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके अज्ञानात् माने ज्ञान न होने के कारण से पशुवत पशु के समान आचरति मन आचरण करता रहता है। पशु भी खाता पीता सोता डोलता रहता है, कोई डंडा मार देता है चला जाता है, फिर दूसरी जगह डंडा मार देता है वहां से भी चला जाता है, इसी प्रकार से उसका जीवन चलता रहता है। अतः इसलिए ही सा वह व्यक्ति जो विद्या से रहते है वो पशु कहा जाता है, पशु इति अभिधीयते पशु कहा जाता है। इसलिए क्या कहा, विद्या विहीन पशु इति, विद्या से रहित मनुष्य पशु होता है इति, ठीक है। विद्या सर्वेषु धनेषु श्रेष्ठमस्ति, विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है, सभी सर्वेषु धनेषु श्रेष्ठम अस्ति, सबसे सभी धनों में श्रेष्ठ है। यतो हि विद्यैव व्यये कृते वर्धते, यतो हि का अर्थ होता है क्योंकि विद्या के द्वारा मन विद्या विद्या एव विद्या ही क्या विद्या ही व्यये कृते व्यय करने पर जितनी व्यय करो विद्या को मैं आपको दे रहा हूं विद्या प्रतिदिन दे रहा हूं लगातार निरंतर मेरी विद्या बढ़ रही है तो व्यय कृते वर्धते विद्या बढ़ती है ये सिद्धांत है। और धन धन देने से कम होता है, मेरे पास 1,000 रुपए हैं 100 रुपए मैं आपको दे दूंगा, नहीं वैसे है ही नहीं मेरे पास फिर भी मान लीजिए कल्पना कीजिएगा मैं 100 रुपए आपको दे दूंगा मेरे पास कितने रुपए रहेंगे 900 रुपए रहेंगे, यदि 500 दे दूंगा तो 500 बचेंगे, पर विद्या में दे दूंगा तो मेरी विद्या और बढ़ जाएगी। इस निबंध को पढ़ा रहा हूं तो मेरी विद्या बढ़ रही है और आप लाखों लोग इसको इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे। अन्य धनं व्यये कृते क्षयं प्राप्नोति, अन्य में दूसरा धन कोई भी हो वो व्यय कृते माने खर्च करने पर क्षयं माने नाश को प्राप्त होता है। अतः एवोक्तम इसलिए कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्या कहा गया है शास्त्रों में आइएगा श्लोक है, दो श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है आइएगा। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारति, व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। कहते हैं हे भारती माने हे विद्या माता, सरस्वती माने भारती विद्या का नाम है, सरस्वती विद्या का नाम, ठीक है ठीक है। लोगों ने एक चित्र बना दिया है, स्त्री का चित्र बना दिया है, एक बना दिया है चलिए मानिएगा वो उतना गलत भी नहीं है, परंतु क्या है भारती सरस्वती ये कोई स्त्री नहीं है। विद्या जब इनका अर्थ विद्या होता है तो विद्या माने नॉलेज है, ठीक है, तो वो एक प्रतीकात्मक बना लिया है, प्रतीकात्मक बना लिया है, ठीक है। विद्या और भारती सरस्वती ये स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए स्त्रीलिंग का स्त्री का फोटो बना दिया है, ठीक है। तो कहते हैं भारती हे सरस्वती देवी हे विद्या माता, माता ये विद्या भाई जैसे माता पालन पोषण करती है वैसे विद्या भी तो हमारा पालन पोषण करती है, हमको सन्मार्ग दिखाती है। तो कहते हैं भारती कहते हैं तब तुम्हारा अपूर्वः कोऽपि कोशो अयम विद्यते, अर्थात अयम माने यह कोई भी माने कोई कोई एक ऐसा अपूर्वः जो पूर्व में कभी नहीं हुआ ना होगा ऐसा
कोषा माने एक खजाना, ऐसा खजाना विद्यते तब विद्यते में तुम्हारा विद्यमान है, हे सरस्वती हे विद्या, वो तुम्हारा खजाना कैसा है। व्यय तो वृद्धि आयाति, व्यय करने से वैसे वृद्धि माने वृद्धि को प्राप्त होता है, आयाति माने प्राप्त होता है। क्षय आयाति संचयात, और संचय करने से किसी को ना बताने से क्या है, क्षय नाश को प्राप्त होता है। अब बताइएगा मैं विद्या को नहीं पढ़ाऊं मेरी विद्या कम हो जाएगी, भूल जाऊंगा। और पढ़ाता रहता हूं निरंतर, चीजें याद रहती हैं और भी नई नई बातें आती रहती हैं मस्तिष्क में, तो बढ़ रहा है। ये विद्या का एक अलग ही सिद्धांत है, इसलिए हमेशा विद्या वाले विद्या प्राप्त जिसने की उसको विद्या का निरंतर प्रचार प्रसार करना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने संस्कृत भाषा शब्द पढ़ा रहे हैं बिना पूछे, कोई भी आइए पढ़िएगा, विद्यादान कर रहे हैं जी, श्रेष्ठ दान कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी निःशुल्क कर रहे हैं आपके लिए है, कुछ बन पड़े तो आप दे दीजिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं, ठीक है, हम अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। तो कहते हैं हे विद्या देवी भारती, हे भारती सरस्वती, आपका ये अपूर्व कोशोयम माने ये अपूर्व है, कोई भी ऐसा कोश नहीं है जो व्यय करने से बढ़ता है और संचय करने से नाश को प्राप्त होता है। दूसरा श्लोक और है, न चौरहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च नराजहार्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्। आनंद आ गया। कहते हैं ये विद्या कैसी है, न चौरहार्यम, ये चोरों के द्वारा हरण नहीं की जा सकती, चोर इसको छीन नहीं सकता। न च भ्रातृभाज्य भ्रातृभाज्यम, और न कोई भाई इसको बांट करके ले सकता जी कि भाई हिस्सा करो मेरा भी हिस्सा है इसमें, कोई भाई भी नहीं ले सकता, भाइयों के द्वारा भी बांटने योग्य नहीं है। ना राजहार्यम, राजा भी इसको नहीं छीन सकता है, कितना भी बलवान राजा हो कितना भी बड़ा सम्राट हो वो भी नहीं छीन सकता है। न च भारकारी, और ना ये भार, कितनी भी विद्या इकट्ठी कर लो, ये सारे जीवन पढ़ते रहो भार नहीं लगेगा, भाई आप चीजों को संचय करते रहेंगे तो बहुत सारा वजन हो जाएगा, पर विद्या एक ऐसी है कि इसका संचय करते रहिए, खूब इकट्ठा करते रहिए, भार लगेगा ही नहीं, और हल्का लगेगा। जिसके पास जितना अधिक ज्ञान है वही व्यक्ति उतना हल्का रहता है, शांत रहता है, ठीक। तो ना तो इसमें भार करने वाली भी नहीं है, भार वाली भी नहीं, क्या है, व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, और व्यय करने पर खर्च करने पर ये नित्य ही बढ़ती है। विद्या धनम सर्व धन प्रधानम, सारे धनों में विद्या धन प्रधान है, श्रेष्ठ है। चलिए अब इसमें सरल है, कुछ परेशानी नहीं है, मैंने अर्थ बता दिया आपको। चलिए आगे, विद्यैव जगति मनुष्यस्य उन्नतिं करोति, क्या है, विद्या ही जगत में संसार में मनुष्य की उन्नति को करती है। दुःखेषु विपत्तिषु च तस्य रक्षां करोति, और कहते हैं कि दुखों में और विपत्तियों में उस मनुष्य की रक्षा को भी करती है विद्या। विद्या ही तो करती है, विद्या ही तो रक्षा होती है। विद्यैव कीर्तिम धनं च ददाति, विद्या ही कीर्ति को और धन को प्राप्त देती है। जिसके पास विद्या होती है वो धन भी अर्जित कर लेता है और कीर्ति यश प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर लेता है समाज में। विद्या वस्तुतः कल्पलता विद्यते, कहते हैं विद्या वस्तुतः वास्तव में कल्पलता विद्यते, कल्पलता है,
कल्प की लता ऐसी होती है कि उससे जो भी कामनाएं करो वो सब पूरी करती जाती है, ऐसा एक लोकोक्ति है, ऐसी लता है नहीं कोई पर एक कहावत है। तो कल्प लता माने कल्प लता है, विद्या से जो जो मांगेंगे वो सब देती जाएगी, धन मांगेंगे धन आ जाएगा, यश मांगेंगे यश माए, प्रतिष्ठा कीर्ति सब देगी विद्या। अब हम भी तो आप तक पहुंचे विद्या के माध्यम से ही पहुंचे, विद्या के माध्यम से पहुंचे, कोई ऐसा तो नहीं मैं आपके घर पर आया हूं जी है, ऐसा तो नहीं है। विद्या के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़े, मैं आपके साथ जुड़ा हूं, आप भी विद्या पिपासु हैं और मैं भी विद्या का देने का इच्छुक हूं, ठीक है। तो इसलिए दोनों मिल गए तो बात चल पड़ी है, काम चल रहा है ये। चलिएगा एक श्लोक और देते हैं विद्या की महत्ता को बताने वाला। माते वरक्षति पिते वहिते नियुंते कांते वचाभिरमायत्यपनीयखेदम् लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षुकीर्तिम् किं किं न साधयति कल्पलते विद्या। कहते हैं माते एव रक्षति, माता एव रक्षति, माता के समान विद्या रक्षा करती है मनुष्य की, मनुष्य का। पिते व हिते नियुंते, और पिता पिता इव माने पिता के समान, क्या पिता के समान, जैसे पिता अपनी संतान को हितकारी कार्य में लगाता है तो हिते नियुंते माने हितकारी काम में लगाता लगाती है विद्या, अर्थात श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित करती है। कांता इव च अभिरमयति अपनी खेदम, और कहते हैं कि कांता इव माने पत्नी के समान, चकार तो और पत्नी के समान, कहते हैं खेदम अपनी माने खेद को, खिन्नता को, दुखी को, दुख को अपनी माने हटा करके, अभिरमयति अर्थात प्रसन्न करती है विद्या। इस प्रकार से पति को पत्नी प्रसन्न करती है उसका दुख दूर करके, वैसे विद्या भी मनुष्य को उसका दुख दूर करके उसको प्रसन्न करती है। लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दीक्षु कीर्तिम, और कहते हैं कि लक्ष्मी को तनोति, लक्ष्मी को बढ़ाती है, धन को बढ़ाती है विद्या, और वेच्छा और कीर्तिम दिक्षु वितनोति, और दिक्षु माने सभी दिशाओं में विद्या मनुष्य की कीर्ति को वितनोति माने फैलाती है, दूर दूर ले जाती है, दूर दूर ले जाती है, अमेरिका तक ले जाती है, जापान इंग्लैंड कनाडा और कहां कहां ले जाती है, दूर संपूर्ण ब्रह्मांड में ले जाती है मनुष्य की कीर्ति को, कौन ले जाती है, विद्या ले जाती है। कहते किम किम न साधयती, अरे ये विद्या ये तो थोड़ी बात बताई है, किम किम न साधयती अर्थात सब कुछ सिद्ध कर देती है मनुष्य का ये। कल्पलता इव विद्या, ये कैसी कल्पलता के समान जो विद्या है, विद्या सब कुछ सिद्ध कर देती है। विद्या को पढ़िएगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, विद्या विद्या का अर्थ ये नहीं है कि आप संस्कृत लिखना सीख गए हैं, नहीं, विद्या का अर्थ है आपकी बौद्धिक शक्ति इतनी बलवती हो जाए कि आप किसी भी चीज को सही समझने में समर्थ हो जाएं। हाँ, क्या गलत है क्या सही है इस बात का निर्णय करने में आपकी बुद्धि समर्थ हो जाएगी, तब विद्या आपने पढ़ी है तब माना जाएगा। ऐसा नहीं है आपने एमए की डिग्री ले ली, बीए की डिग्री ले ली, आप बीएड कर ली, आपने पीएचडी कर ली, आपने डॉक्टरेट कर ली, ठीक है, और आप अनपढ़ लोगों के जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनके जाल में फंस जाते हैं, उनके पाखंड में फंस जाते हैं, हैं? तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपने विद्या पढ़ी नहीं है, आपने अविद्या पढ़ी है। ध्यान दीजिएगा, ये विद्या वो है, ये विद्या सारे चीज बता दी है डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने स्पष्ट करके कि विद्या का लक्षण क्या है, विद्या
विद्या जिसने प्राप्त की है वो पाखंड में नहीं फंस सकता है कभी भी, अंधविश्वास उसके जीवन में नहीं आ सकता है। ये डिग्रियों की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखेंगे। डिग्रीधारी तो पूरी दुनिया में बहुत सारे घूम रहे हैं, वो विद्वान नहीं है। विद्वान बनना है आपको देववाणी संस्कृतम प्लेटफॉर्म से, आपको विद्वान बनना है, विदुषी बनना है, विद्यावान बनना है। कैसा विद्यावान बनना है? कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का पाखंड और अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं हो, आप अपना जीवन तर्कपूर्ण जिए, इसको कह रहे हैं ये विद्या है। तो ऐसी विद्या आपको सब कुछ प्राप्त कराएगी, और ऐसी विद्या आपके है, आपने अविद्या पढ़ ली तो वो अविद्या आपके जो आपने धन संपत्ति कुछ कमाया है वो भी लेकर के डुबो देगी सारा। नहीं तो होता है, अंधविश्वासों में लोग आदमी फंस जाता है तो खूब उसको लोग ठगते रहते हैं। लाओ जी 1000 रुपए, लाओ जी 1100 रुपए, लाओ जी 2100 रुपए, लाओ अनुष्ठान करेंगे जी आपका, आपके ऊपर ये भूत चढ़ गया, आपके ऊपर ये चुड़ैल चढ़ गई है, आपके ये प्रेतात्मा आ गए, फलाने आ गए, ढिकाने आ गए, पीपल देवता आपके ऊपर चढ़ गए, ठीक है, शनि देवता आपके ऊपर चढ़ गया, भाई बुध आपसे नाराज हो गया, यही तो है। देखिएगा, एक डॉक्टरेट आदमी ऐसे व्यक्ति के जंजाल में फंस जाता है जिसने कुछ पढ़ाई नहीं है, कोई शास्त्रीय विद्या अर्जित नहीं की, वो अपने चक्कर में फंसा लेता है। इसलिए डॉक्टरेट कर लेना विद्या का लक्षण नहीं है, ठीक है, चलिएगा। कहते हैं विद्यैव मनुष्य सर्वत्र सम्मानं प्राप्नोति, विद्या के द्वारा ही मनुष्य सर्वत्र हर जगह सम्मान को प्राप्त करता है, रिस्पेक्ट को प्राप्त करता है। राजानोपि तस्य पुरतः नत शिरसो भवन्ति, कहते हैं राजा ना राजा लोग भी अपने राजा लोग भी तस्य माने उस विद्वान के आगे जिसके पास विद्या है उसके आगे पुरस्तात माने सामने नत शिरसो भवंती नतमस्तक हो जाते हैं। महाराज जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम, आइएगा हमारे राज्य में, आइएगा उपदेश दीजिएगा, उसको बोलते हैं, ठीक है। विद्वांस एव संसारस्य दुखानि दूरी कुर्वंती, विद्वान लोग ही संसार के दुख दूर करते हैं, और अविद्वान लोग क्या करते हैं, संसार में दुख बढ़ाते हैं लोगों के। जैसे अंग्रेजी दवाई है, अंग्रेजी गोली है, एक गोली खाएंगे तो वो दूसरी बीमारी लेके आएगी, एक बीमारी ठीक करेगी और दो बीमारी और लेके आ जाएगी वो, फिर उसके लिए ठीक करेंगे तो और 4 बीमारी लेके आ जाएगी। ऐसे अविद्वान लोग होते हैं, उनसे एक दुख दूर कराओ तो वो एक दुख थोड़ा सा दूर करते हैं, 4 दुख और पैदा कर देते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी दवाई जैसे स्वास्थ्य के लिए अहितकारी है, ठीक है, वैसे ही अविद्वान लोग भी समाज के लिए अहितकारी हैं। कहते तयैव उपदेशका विचारका ऋषयो महर्षयो मंत्रिणो नेतारश्च भवन्ति, कहते ते, यहां संधि होकर के ता हो गया है, संधि मैंने पढ़ाई है आपको, भो भगो अगो अपूर्वस्य योषी और लोप शाकल्य से पहले पढ़ा दिया, ध्यान रखिएगा संधि। तो ते एव माने वे विद्वान ही उपदेशक माने जो विद्या को प्राप्त करते हैं, वे लोग ही उपदेशक विचारक ऋषि लोग महर्षि लोग मंत्री लोग च और नेतारा नेता भवंती माने होते हैं, अनपढ़ भी बन जाते हैं परंतु वो समाज के लिए ठीक काम तो नहीं करते हैं, अविद्वान भी बन जाते हैं, वर्तमान में तो अविद्वान ही ज्यादा है, ठीक है। तो क्या है, वास्तव में असली उपदेशक असली विचारक असली ऋषि और महर्षि और मंत्री नेता तो विद्वान ही होते हैं, उन्हें कोई बनना चाहिए। विद्वान स एव विधि विधान आविष्कारान कृत्वा, विद्वान स एव विविधान आविष्कारान कृत्वा संसारस्य श्रियं वर्धयन्ति लोकांच सुखिनः कुर्वन्ति।
कहते हैं कि विद्वान ही विविधान विभिन्न प्रकार के विविध प्रकार के आविष्कारों को करके संसार की श्री को बढ़ाते हैं, लक्ष्मी को बढ़ाते हैं। और लोकांच सुखिना कुरंती, और लोगों को माने लोगों को, लोकान माने लोगों को, मनुष्यों को, प्राणियों को सुखिना कुरंती, सुखी करते हैं। अतः सर्वैरपि आलस्य प्रमादादिकं त्यक्त्वा विद्याध्ययनम अवश्यं कर्तव्यम्। कहते हैं अतः ये सर्व, इसलिए ही अतः इसलिए सर्वई सभी मनुष्यों के द्वारा अपिमन भी आलस्य प्रमादादिकं त्यक्त्वा, आलस्य प्रमाद को छोड़ करके, विद्याध्ययनम विद्या का अध्ययन, अविद्या का नहीं विद्या का, अवश्यम कर्तव्यम अवश्य करना चाहिए। विद्यैव मोक्ष प्राप्ति ही भवति, विद्या के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और अविद्या के द्वारा बंधन होता है। उक्तम च कहा भी गया है, और कहा भी गया है, क्या कहा है, ऋते जाना न मुक्ति, ऋते माने बिना, जाना जान के बिना, न मुक्ति जान के बिना मुक्ति नहीं, अर्थात ज्ञान से ही मुक्ति है, विद्या से ही मुक्ति है। चलिएगा, बहुत सुंदर ये हो गया इसका मित्रों। अब आप देखेंगे यहां पर इसका ये उपसंहार कर दिया, ऊपर प्रस्तावना कर दी, बीच में विस्तार कर दिया, हानि लाभ गिना दी, ठीक है। तो ये आपको निबंध मैंने पढ़ के भी बता दिया, अर्थ भी बता दिया, और आपको ये समझाने का प्रयास किया है मित्रों कि मैं आपको संस्कृत भाषा तो पढ़ा ही रहा हूं, संस्कृत भाषा तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, परंतु संस्कृत भाषा को पढ़ाने का मतलब, पढ़ाने का मीन केवल संस्कृत के वाक्यों को बनाकर ना सिखा देना नहीं है मित्रों। संस्कृत भाषा का पढ़ने का अर्थ है कि आप सही और गलत को जानने का सामर्थ्य पैदा करें, क्या सही है क्या गलत है, और ये आप जानने का सामर्थ्य कब पैदा करेंगे, जब आप तर्कशील बनेंगे, कुशाग्र बनेंगे, ठीक है, रट्टू तोता नहीं बनेंगे, बाबा वाक्यम प्रामाण्यम वाले नहीं बनेंगे, ठीक है। चलिएगा, आनंद लीजिएगा, ये निबंध है, बहुत अच्छे निबंध है। अब इसके अंदर आप स्वयं अब कीजिएगा, इसमें समास जो आपको इसमें बताने की आवश्यकता नहीं, सरल भाषा में है, संधियां हुई हैं, उन संधियों को आप स्वयं आवृत्ति कीजिएगा, आपने सभी संधियां पढ़ी हैं, मैंने आपको दो बार संधियां पढ़ा दी हैं, ठीक है, संधियों को कीजिएगा, कुछ समास का अभ्यास कीजिएगा, समास आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, जैसे यह विद्या प्राप्त्या, तो विद्याया प्राप्ति ही विद्या प्राप्ति ही, तया विद्या प्राप्त्या, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। इसी प्रकार से और भी आप इसमें समास देखिएगा, ठीक है, अभ्यास आपको करना है, ठीक है, आपको करना है, और अलग से हम भी समास पढ़ाया ही है हमने आपको, अलग से वहां पर भी आपने अभ्यास किया है, ठीक है। चलिएगा, तो एक वीडियो में हमने आज के पूरा कर लिया, अब आगे की कक्षा में क्या है, सत्यमेव जयते नामृतम, बहुत ही सुंदर इन्होंने निबंध लिखे हैं। चलिएगा, तो मित्रों आगे की कक्षा में मिलते हैं, और आपसे निवेदन करते हैं कि आप संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर सहयोग करते रहें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहें। संस्कृत भाषा के साथ साथ हमारा उद्देश्य है कि लोगों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, उनको जो वैदिक संस्कृति परिचित कराएं, वैदिक संस्कृति से जोड़ के रखें उनको, उनकी आगे आने वाली पीढ़ी को जोड़ें, इसके इसी सारे उद्देश्य मिला करके हम काम कर रहे हैं। सर्वेभ्यो नमः।